लेडी कांस्टेबल करो अंडर कवर ऑपरेशन रैगिंग मामलार जांच पाई लेडी कांस्टेबल छात्री साजिले आउ कॉलेज रे बिताइले दीर्घ 30 दिन रैगिंग करूथिबा आरोपी मानंकु धरिबाकु आरंभ कले सीक्रेट मिशन मेडिकल कॉलेज रे समस्तंको साथीरे मिलामिसा करिबा सह काहाकु भी टिकिए भनक लागिबाकु देले नाही। डाक्टरी छात्र छात्रीक सह निजे छात्री होई फिल्मी स्टाइल रे ऑपरेशन को देले अंजाम आउ आरोपी माने एबे जेल रो चारिकांथ भितरे देखंतु इस्तो महिला पुलिस कर अंडर कवर ऑपरेशन आरोपी को धरिबा को कॉलेज रे बिताइले 30 दिन फिल्मी स्टाइल रे ऑपरेशन को देले अंजाम रैगिंग मामलार जांच पाई लेडी कांस्टेबल साजिले एमबीबीएस छात्री आउ छात्री साजी कॉलेज रे बिताइले 30 दिन इंदौर संयुक्तगंज थाना रे बसीथिबा एही महिला कांस्टेबल हेउछंती शालिनी चौहान जिए कि निकट अतीत रे इंदौर रो एमजीएम कॉलेज रे रैगिंग मामलार खुलासा करिछंती। इंदौर महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रे किछि छात्र रैगिंग करथुवा नै अभिजोग होइतिला हेले सेमानक विरोध रे केही भी डर रे मुह खोलु नथिले तेणु से छात्रक सबक सिखाई आईन छाट मारे निजे छात्री बनिले लेडी कांस्टेबल शालिनी। तो मुझे इसके लिए स्टूडेंट बनकर भेजा गया था, तो मैं सिविल कपड़ों में स्टूडेंट बनकर किताबें विताबें लेकर वहाँ पर जाती थी। कैंटीन में लगभग 5 से 6 घंटे बिताती थी, सब लोगों से बातचीत करती थी। कुछ लड़कियों से मैंने फ्रेंडशिप की, घुली मिली उनसे और उनसे बातें निकलवाने की कोशिश की। 3-4 लोगों के नाम मैंने उनके सामने जानबूझकर लिए ताकि वो मुझे अपने बारे में कुछ बताएं कि यहाँ पे कौन रैगिंग करता है, क्योंकि कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग डरते थे कि किस हिसाब से हम कहें, किसका नाम किन सीनियर्स का नाम लें कि ये रैगिंग करते हैं। इसलिए मैंने उनसे उनकी मन की बात निकलवाई, कुछ अपनी बात बताई, तब उन्होंने अपनी बात मुझे बताई और कुछ लोगों के नाम बताए जो मैं अपने सीनियर्स को आकर बताती। थाना रे छात्रों को द्वारा एक केस रुजू करा जायतिला किंतु ऑनलाइन रे रैगिंग अभिषेक करी थी एही छात्र कहार नाम नेला नहीं कि डर रे बयान देवा पाई मध्य गला नहीं। बिना कौनसी सहयोग रे आरोपी मानों को पाखों को पहुंचीबा पुलिस पाई थिला असंभव। एथिपाई संयुक्तगंज थाना प्रभारी एही कांस्टेबल एवं अन्य किछि कर्मचारी को अंडर कवर बनेई एमजीएम कॉलेज को पठेले। कॉलेज रे शालिनी एक मास बिताइले एवं शेष रे आरोपी मानों को गिरफ्तार करिबारे सक्षम हेले। 4 लोगों की टीम बनाई जिसमें ये शालिनी भी थी, सत्यजीत थे और अन्य भी सिपाही हवलदार थे उसमें। वो लोग शालिनी का क्या रोल रहा उसमें? हाँ, इन लोगों को हमने सबको अलग अलग कर दिया, किसी को डॉक्टर्स, किसी को नर्स, किसी को कभी जैसा समय होता था उसके हिसाब से कोई नौकर बन जाता था, कोई कर्मचारी बन के जो कैंटीन होती थी या जो आसपास के कैफ़े होते थे मेडिकल कॉलेज के या उनके हॉस्टल के आसपास के कैफ़े होते थे वहाँ पर भेज के इनको रखते थे। ये जो सीनियर्स और जो जूनियर्स आते थे उनसे बात करते थे, उनसे जानकारी लेते थे और कुछ लोग फिर इसी प्रकार चिन्हित किए इनसे, जैसे कि शालिनी ने भी फिर वहाँ जाके जो देखा था और जो बातचीत की, तो जो लोग खुल के पुलिस के सामने वर्दी में बयान नहीं देना पाते थे वो सामने बता रहे थे। इसको जब बताने लगे तो ये हमको आके बताती थी, फिर हम उन लोगों को चिन्हित करके बुलाकर बात करके उनको काउंसिल करके उनका जो हमारा लीगली 161 के कथन होते थे हम वो कथन लेते थे, उनसे हम पहचान करवाते थे कि ये चैट पर ये किसने लिखा है, तो वो उस सीनियर्स को पहचान लेते थे। इसी प्रक्रिया में हमने 11 लोगों को चिन्हित किया। सबडे घटना को नहीं कॉलेज रो डीन कहिसंती कि रैगिंग कमिटी 11 जन छात्रों को 3 मास पई कॉलेज रु एवं हॉस्टल रु सस्पेंड करिछि। एंटी रैगिंग कमेटी में वो कंप्लेंट करके उसको हम लोगों ने एस सच उस कंप्लेंट के आधार पे एफआईआर दर्ज की थी। उसमें कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस थे, कुछ लोगों के मोबाइल नंबर आइडेंटिफाइड हुए थे, उसको फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और इस पे उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की। जिस दिन हमको एफआईआर की इंफॉर्मेशन मिली उन 11 बच्चों को हमारी एंटी रैगिंग कमेटी ने 3 महीने के लिए कॉलेज से और हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है। अन्य बड़े गिरफ्त हुई थी छात्रों के विरोध में पुलिस धारा 294, 323, 506 एवं रैगिंग एक्ट अनुसार केस रुजू कर एक घटना को नहीं सब महल रे पुलिस रो प्रशंसा सह शालिनी को भोरी भोरी प्रशंसा हेउची। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।